बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 2 का 3rd लेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको इसके नाम में ही बताऊं कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। चूंकि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो फिल्ट्रेशन से रिलेटेड था, और फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन में एक बारीक सा डिफरेंस है, वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फिल्ट्रेशन में हमने ये देखा था कि हमने किसी भी मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता था इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। लेकिन आज जो हम क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोगों ने उन सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात करनी है जो सॉल्यूशन बना चुके हैं, जो उसके अंदर मिक्स हैं। तो हमने वहां पे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को रिमूव किया, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या करना है, सॉल्युबल पार्टिकल्स को हमने वहां से निकालना है, और उसके क्रिस्टल्स जो हमारे पास आएंगे वो सॉल्युबल सॉल्यूट के, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। सो ये था एक बारीक सा डिफरेंस जो इन दोनों चीजों में हमें समझना जरूरी था। अब मैं चलता हूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ, फिर मैं देखूंगा वो कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैरी करते हैं। सो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि हमने क्रिस्टल्स को लेना है ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज कि हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके हमने क्रिस्टल्स निकालने हैं। अब हमारे पास वो किस में मौजूद है, वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैं बताता चलूं कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैं आगे चलता हूं तो मैं ये बात डिस्कस करता हूं कि हॉट की ही हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि हम उसकी प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन या जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं उससे अवॉइड कर सकें। तो हमने उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना है, उसको ठंडा करना है, तो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका पर्पस क्या है, तो मैंने लिखा प्योरीफाई क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ इंप्योरिटीज क्या होती हैं, वो सॉल्युबल होती हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व्ड होती हैं, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो क्रूड हो जाता है, यानी कि जो प्योर प्रोडक्ट नहीं होता हम उसको क्रूड प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने क्या करना है इस मेथड के थ्रू कि वो जो क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट है हमने उसको प्योरीफाई करना है। तो जब उसमें से वो इंप्योरिटीज, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी, वो रिमूव होंगी तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो प्योरीफाई हो जाएगा। सेकेंड, हमारा जो इसका पर्पस बनता है वो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं विद डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, कि वो जो क्रिस्टल जाएंगे वो अपनी शेप भी है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, वो भी उसकी डेफिनेट रहेगी। तो ये दो पर्पस हो गए क्रिस्टलाइजेशन के। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस असूल पे काम करता है। तो सबसे पहली बात आपने देखनी है कि सॉल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन गिवन सॉल्वेंट। लाजिम बात है, हमने एक सॉल्यूशन बनाना है तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, वन इज सॉल्यूट, द अदर वन इज सॉल्वेंट। तो अब वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिसेबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर, एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड। तो कहता है कि एक तो हाई टेम्परेचर वो मैक्सिमम सॉल्युबल हो, दूसरा जब हम उसको क्रिस्टलाइज करें, जब उसको ठंडा करें, तो मैक्सिमम सॉल्यूट के जो है पार्टिकल्स वो वहां से हमारे पास आ जाए तो कूलिंग के बाद। सो ये प्रिंसिपल है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली मिसेबल होने चाहिए, वो सॉल्युबल होने चाहिए। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक के वो स्टेप्स जो क्रिस्टलाइजेशन में
आज मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो मैंने सामने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आपने जस्ट मेन पॉइंट्स उसके नोट करने हैं, और जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कोशिश करें वो भी नोट कर लें। तो आपकी बुक के ऊपर भी ये थॉरली लिखा होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स में वो चीज़ें बताऊँ ताकि उनको समझने में आपके लिए आसानी हो। सो सबसे पहले आप देखें, मैं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। नंबर वन इज़ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने जो सॉल्वेंट लेना है वो किस तरह का होना चाहिए। ये अभी मैं उसमें आपको उसके करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कौन से सॉल्वेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड नंबर पे यू हैव टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। थर्ड प्रोसेस विल बी फिल्ट्रेशन, हमने उसको फिल्टर करना है, देन कूलिंग। ये फोर स्टेप के बाद क्रिस्टलाइजेशन तो मुकम्मल हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन जब मुकम्मल हो चुकी है तो हमारा पर्पज है यू हैव टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स, तो हमने वो क्रिस्टल्स को अब कैसे हम उसमें से निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, कि हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट कैसे करेंगे, देन ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, अगर वो लाजिम बात है हमने लिक्विड में से उनको निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास वो क्या है, वो उसमें लिक्विड मौजूद है, तो आपने उसको ड्राई कर लेना है। और फाइनली हम देखेंगे डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स, कि अगर उसमें कोई कलर आ जाएगा तो वो हम देखते हैं उसको हमने किस तरह से रिमूव करना है। सो सबसे पहला जो मैं क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज अ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं जिसके अंदर सोल्यूट को एड करूंगा वो सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, तो उसकी मैं करैक्टरिस्टिक्स आपसे डिस्कस करता हूं कि एक आइडियल सॉल्वेंट किस तरह का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग अपने ज़हन में रखें कि वो हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो सॉल्यूट इतना डिसॉल्व ना करे, लेकिन बॉयलिंग टेम्परेचर पर मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाए। सेकेंड हम ये देखते हैं कि वो जो सॉल्यूट है जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट मौजूद है वो सॉल्वेंट उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। देन आपने ये देखना है कि उस सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। देन आपने ये देखना है कि जब आप उसको ठंडा करें, यानी कि ऑन कूलिंग, वो जो सॉल्यूट उसमें मौजूद हो वो वेल डिपॉजिट हो, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठे, डिपॉजिट हो। उसके बाद वो सॉल्वेंट इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ये एक एमसीक्यू भी आ चुका है कि किस तरह का सॉल्वेंट आप लेना चाहेंगे, तो इनएक्सपेंसिव हो, ज़्यादा महंगा ना हो। देन वो सेफ हो और इजीली रिमूवेबल हो, कि आप उसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हो और उसको निकालना, क्योंकि हम क्रिस्टल्स, हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिस्टल्स लेना, तो हम उस सॉल्वेंट को ईजिली वहाँ से निकाल भी सकें। अब मैं देखता हूँ कि हमें यहाँ पे केमिस्ट्री में जो हम ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो मोस्टली हम किस तरह के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो वो सॉल्वेंट्स आप लोग सिंपली लिख लें, मैं शॉर्टली लिख लेता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसमें वाटर हो सकता है, जैसे मैंने बोला इनएक्सपेंसिव, उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट हो सकता है, ये इथेनॉल होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो इसको हम, इसके अलावा हम इथेनॉल, मतलब ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसी तरह एब्सोल्यूट अल्कोहल ले सकते हैं, यानी कि जो प्योर अल्कोहल होगा, तो एब्सोल्यूट इथेनॉल लिख लें। उसके बाद आप एसीटोन ले लें, तो एसीटोन के अलावा आप एस्टिक एसिड ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने, ये पेपर में अगर पूछ भी लें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोग नाम अपने पास नोट कर लें। सो क्लोरोफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम CCl4 यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप इसमें पेट्रोलियम ईथर यूज़ कर लें, तो ये इस तरह के सॉल्वेंट्स हैं। डाइथाइल ईथर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ, डाई एथाइल ईथर। सो दीज आर द सॉल्वेंट्स जो किसी भी उस हमें आइडियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो सॉल्यूशन बनाने में हमें हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, इस पॉइंट के अंदर मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है प्रोबेबली कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं माइट बी पॉसिबल कि ये अच्छा काम ना कर सकें कोई एक, तो आप क्या कर लें, दो सॉल्वेंट्स को आपस में मिला लें,
तो भी आप सॉल्यूट को उसमें डाल के आप अच्छा सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप कोई एक सेपरेटली यूज नहीं करना चाहते, तो आप मिक्स करके कंबाइन करके भी सॉल्वेंट एक यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रीकॉशनरी मेजर्स कि आपने सॉल्वेंट जो लेना है उसके बारे में यहाँ पे प्रीकॉशंस का ख्याल करना है। वो क्या है कि स्पेशली हमारे पास कुछ सॉल्वेंट्स जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं माइट बी पॉसिबल कि वो इनफ्लेमेबल हों, वो आग पकड़ें, तो आप कोशिश करें प्रीकॉशनरी मेजरमेंट इस तरह से करें कि उसको डायरेक्ट हीट ना करें बल्कि उसको वाटर बाथ के अंदर आप हीट कर लें। तो वाटर बाथ में क्या होता है कि आपने वाटर लेना है एक बर्तन में और उसके अंदर उस चीज़ को रख के पहले वाटर हीट करेगा देन वो आप, तो इस तरह से आप वो जो इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स होंगे किसी किस्म के नुकसान से भी आप बच सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट मैं चलता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड सॉल्यूट। आप उसमें सॉल्यूट ऐड करें, उसको कॉन्टिन्यूसली क्या करें, स्टिर करते जाएं। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो आपने सॉल्वेंट पहले कम लेना होता है, सॉल्यूट उसमें डालें, देन थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट ऐड करते जाएं, स्टिर करते जाएं और उसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास वो, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट कम लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाए। तो बेसिकली पर्पज इसका यही होता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाना चाहते हैं, जब सॉल्यूट बढ़ेगा तो लाजमी बात है क्रिस्टल्स भी हमने लेने हैं, तो वो हमारे पास इस तरह से हम उसमें क्रिस्टल्स को भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में देखें, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, इसमें एक फनल लगाई हुई है। अब मैंने यहाँ पे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा, जैसे मैंने पहले आपको स्टार्ट में बोला कि मैं सॉल्युबल इंप्योरिटीज को भी निकालना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखें, जब मैंने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला तो इसमें ग्रीन आपको लाइन जो नजर आ रही है ये सॉल्यूशन था, और ये जो रेड डॉट्स मैंने डाले हैं इसमें, ये आप यूं समझें कि सॉल्युबल जो थी इंप्योरिटीज थी। तो हमने उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर पेपर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर आप यूज कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज। तो फिल्ट्रेशन बेसिक पर्पज है, तो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप फिल्टर करेंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा, जो क्या होगा वही हॉट फॉर्म में कोशिश करें। तो आप कोशिश इसमें यह भी हो सकती है कि आप फनल भी हॉट यूज कर सकते हैं, ताकि अगर वो कोल्ड होगा, पानी ठंडा होगा, सॉल्यूशन अगर वो गर्म नहीं होगा तो माइट बी पॉसिबल कि वो उसके साथ लगना शुरू हो जाएंगे, वो क्रिस्टल ऑलरेडी पहले से ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो हॉट और वो फिल्टर में से पास हो जाए, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ताकि हम उसी फिल्ट्रेट में से क्रिस्टल्स को इकट्ठा करें। नेक्स्ट हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस है। अब वो जो फिल्ट्रेट आपके पास आ चुका है, आप उसको ठंडा करें। ठंडा करेंगे तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप मॉडरेट रेट कर सकते हैं। मॉडरेट मीन कि नॉर्मली हम लोग जो कूलिंग का प्रोसेस करते हैं वो टैप के नीचे जो फ्रेश वाटर आ रहा होता है वो आपने उस फ्लास्क के आसपास लगाना होता है ताकि वो मॉडरेटली कूलिंग हो। फौरन भी ठंडा नहीं करना कि आपने जाके रेफ्रिजरेटर में रख देना है, या आपने उसको स्लो कूलिंग क्या होती है कि आप उसको रख दें और बैठ जाएं घंटा दो घंटा वेट करें उसका। सो वो कहता है कि अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो उससे क्रिस्टल्स बड़े साइज के बनते हैं, जबकि मॉडरेट में क्या होते हैं, मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनते हैं। सो मीडियम को हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि ये एक एप्रोप्रिएट है, ये हमारे पास अच्छे क्रिस्टल्स हैं, जबकि जो बिगर क्रिस्टल बनते हैं उसमें क्या हो सकता है कि जी जितना बड़ा साइज होगा उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा मौजूद होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, और फाइनली उसका जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग प्रोसेस में जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सो कोशिश करें कि मॉडरेट रेट में करें ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल्स आपके पास आ जाएं। अब हमने उसके क्या किए, हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस हमने किया, अब हम चलते हैं कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स कि वो जो क्रिस्टल्स हमारे पास बने कूलिंग के बाद अब हमने उसको कलेक्ट कैसे करना है। तो उसमें मैंने यहाँ पे आप देखें एक डायग्राम मैंने बना रखी है, तो इसमें सबसे पहला काम मैं फिल्ट्रेशन का ही करने लगा हूं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो क्रूसिबल यहाँ पे बनाने की कोशिश की है वो सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आए कि मैं यहाँ पे गूच क्रूसिबल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखें, मैंने बताया था जैसे पोर्सेलेन का बना है उसका बॉटम जो है परफोरेटेड है, तो उसको मैंने फिल्टर पेपर सेपरेट बना दिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उसमें कवरिंग आपने बॉटम के ऊपर
क्या करना होता था, एस्बेस्टोस मैट रखना होता था या फिल्टर पेपर को रखना होता था। तो हमने यहाँ पे रखा परफोरेटेड डिस्क लिखा हुआ फिल्टर पेपर, ताकि आपको पता चले ये गूज क्रूसिबल के थ्रू मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिल्ट्रेशन। नीचे क्या लगा हुआ है, सक्शन पंप लगा हुआ है, तो वो सक करेंगे ताकि फिल्ट्रेशन का रेट क्या हो उसमें से इंक्रीज हो। अब आप देखिए हमने क्रिस्टल्स यहाँ से डाले कि वो आपके पास जो मौजूद था, जो कूल जो ठंडा सॉल्यूशन था, आपने यहाँ पे डालना है, सक्शन करेंगे तो उसमें से जो लिक्विड निकलेगा उन क्रिस्टल्स में से वो क्या कहलाएगा, मदर लिक्वर। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि फिल्ट्रेट और मदर लिक्वर में क्या फर्क हो गया। फिल्ट्रेट वही हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें जो क्रिस्टल्स थे वो डिसॉल्व थे। मदर लिक्वर क्या है कि हमने वो जो क्रिस्टल्स आ चुके हैं हमने उन्हीं में से क्या किया, लिक्विड को निकाला, वो मदर लिक्वर कहला रहा है। अब आप जैसे देखेंगे कि वो अब उसमें से लिक्विड मैक्सिमम निकल चुका है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको प्रेसिंग, आपने उसको प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, वो जो कॉर्क होगा उसी के साथ आपने ढक्कन के साथ उसको प्रेस करना है ताकि लिक्विड ज्यादा से ज्यादा उसमें से निकल जाए। देन आपने वॉश उनको धो लेना है ठंडे पानी के साथ, उसको बार बार धोते रहना है ताकि वो हमने उसको वॉश कर लेना है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जब कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने पानी की बात की या मैं किसी सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्वेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे कोशिश करें उसी के साथ उसको वॉश करें। देन आप क्या करें, अब जो नेक्स्ट हमारे पास मदर लिक्वर है, अब आप उसको एवेपोरेट करें। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ से मदर लिक्वर निकला उसके अंदर भी क्रिस्टल्स डिसॉल्व हैं, तो आप उसको एवेपोरेट करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो वो सॉल्वेंट उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हमारे पास यहाँ पे भी क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो मैंने इसलिए लिखा सक्सेस ऑफ ऑपरेशन, कि हमारे पास सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ कि ऊपर से भी क्रिस्टल्स हमारे पास आ गए और मदर लिक्वर में से भी हमने क्या किया, क्रिस्टल्स को हासिल किया। नेक्स्ट ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है कि हम उन जो क्रिस्टल्स हैं उसको अब खुश्क कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है। तो वो दो हमारे पास मेथड हैं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है थर्ड वन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यू में आता है या शॉर्ट में भी आ जाता है। तो पहला काम है थ्रू फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फिल्टर पेपर में जैसे आपके पास क्रिस्टल्स आएंगे आप उसको क्या करें, प्रेस करें। जब आप उसको फोल्ड करके प्रेस करेंगे तो उसमें से भी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स में से वाटर या जो सॉल्वेंट था वो निकल जाएगा और आपके पास वो क्रिस्टल बन जाएंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है कि जब आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं फिल्टर पेपर को, तो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, फाइबर्स ऑफ जो पेपर हैं वो उसके साथ अटैच हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि फिल्टर पेपर को अवॉइड ही करें। सेकेंड क्या है, वो है ड्राइंग इन ओवन। अब आपने कोशिश करना है कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजीली मतलब मेल्ट नहीं हो सकते, तो आप उनको ओवन में रख दें और उसको हीट करें, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और वो आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फाइनली वैक्यूम डेसिकेटर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैक्यूम डेसिकेटर में क्या होता है, कि आपने वहां पे उसको रखना है और उसमें ड्राइंग एजेंट्स मौजूद होंगे। ड्राइंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सिलिका जेल, ये जेल बनाई जाती है, सोडियम के सिलिकेट्स होते हैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के देन ये जेल बनाई जाती है, तो ये भी एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर या ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, जो उसमें से वाटर को निकालता है या सॉल्वेंट को निकाल सकता है। देन P2O5 जिसको फॉस्फोरस पेंटोक्साइड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये फोर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, P2O5, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द ड्राइंग एजेंट्स जो उन क्रिस्टल्स में से सॉल्वेंट को निकाल लेंगे, उसको ड्राई कर देंगे। फाइनली डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर। अब आप देखें कि हमें उन जो क्रिस्टल्स आए हैं उसमें अगर कोई कलर नजर आ रहा है जो हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल, जो हमारी ख्वाहिश नहीं थी लेकिन उसमें आ गए, तो अब उसको रिमूव करने का फाइनली क्या होता है, कि आपने उस सब्सटेंस को बॉयल करना है सॉल्वेंट के अंदर, देन आपने उसके अंदर पाउडर्ड एनिमल चारकोल यूज करनी है। तो ये एनिमल चारकोल क्या करता है, वो जिस किस्म का भी कलर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब वो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स आ जाएंगे वो एक प्योर फॉर्म में, अब उसमें किसी किस्म का कोई कलर मौजूद नहीं है और वो एक अच्छी शेप में, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप के क्रिस्टल्स हमारे पास आ जाएंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टॉपिक्स मैंने इसलिए थॉरली बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी लिखा था और डायग्राम से भी कोशिश की है आपको समझाने की, तो इस तरह से आप डायग्राम्स भी उसकी अगर बना लें तो बेहतर होगा। तो कोशिश करें, ये चैप्टर आपका बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर फोकस करें, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें, ताकि हर किस्म से इस चैप्टर में से हर किस्म का क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।